कवि कवि या लेखक एक ऐसा होता है कि वो अपनी कलम चला सकता है, और ऐसी घटनाएं और भी होती रहती हैं। पीछे भी इस तरह की घटना हुई थी जिसमें शाहीन बाग का प्रकरण सामने आया था। शाहीन बाग में भी कुछ लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया था। उस वक्त मैंने एक 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 कथा लिखा था, वो मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। जी जी बिल्कुल क्योंकि उसमें क्या है कि अराजक तत्व जो हैं वो छद्म रूप मारीच लोग जो हैं, मामा मारीच जो हैं, कभी राइट कभी जैसे राजवीर जो हैं, राजवीर तो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन राजवीर का रूप धर के, यानी एक किसी वर्ग या विशेष उनका रूप धरकर कुछ लोग आ जाते हैं। और कुछ हमारे सिख भाई वहां, उन्होंने लंगर वंगर शुरू कर दिया था। अब वो किस चीज से प्रेरित थे, क्या थे, क्या सिख थे भी या नहीं थे, ये तो एक विवेचना का विषय है। क्योंकि मैं तो देखा नहीं हुआ, लेकिन जैसा टीवी पर और उससे न्यूज में मैंने देखा, उससे ऐसा ही लगा कि वो लोग जो वेशभूषा थी, वेशभूषा से वो सिख ही प्रतीत हो रहे थे। तब मुझे ऐसा लगा कि देखिए, ये जो हमारे परिवार में हिंदुओं में, क्योंकि सारे आक्रमण जो हैं वो पंजाब की तरफ से ही हुआ करते थे, तो ऐसा तय किया गया कि अपना सभी लोग जो हैं वो अपने परिवार का एक बच्चा जो है ना, वो एक लड़ाई के लिए तैयार करेंगे और उसको जो है वो सिख बनाएंगे। तो देखिए कितना जुल्म और कितना हुआ, हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कितनी तकलीफें सही, उनके बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, उनके पिता को भी मार डाला गया, और उसी में उनके बच्चे मारे गए, उनकी माँ का भी देहांत हो गया, जी जैसा कहा जाता है वो। हाँ, और उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ, महाराजा ये गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। तो के साथ बिल्कुल जब जब सिख पंथ के लोग उनसे उनसे उन्होंने भारतवर्ष में जो आक्रमणकारी उधर से आते थे, और कहना नहीं चाहिए वो ज्यादातर जो थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे, तो जब उनके लिए उन्होंने अपनी अपना अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, तो वही चीजें दिमाग में थी मेरी कि देखो यहाँ ये लंगर खिला रहे हैं। और अब वो सिख थे भी या नहीं थे मुझे नहीं पता, नहीं, उसमें एक तो डीएस बिंद्रा मुझे साहब, बड़ा डीएस बिंद्रा जी थे जिन्होंने मुझे एक बताया बहुत था। अच्छा जी मुझे एक बहुत अच्छा उसमें एक मैंने कथा तैयार किया था। उन दिनों मैंने उसे पब्लिकली बहुत ज्यादा पॉपुलेट तो नहीं किया, कभी कभी खुद के लिए भी लिख लिया जाता है। मैं सुना देता हूं आपको। कम जी हो गई रोशनी जिनके चिराग में, कम हो गई है रोशनी जिनके चिराग में, और पाकीज़गी तलाशते फिरते हैं दाग में। वाह भाई जिनके चिराग में, हाँ, अब वो तलाशते फिर रहे हैं कि पाकीजगी तलाश रहे हैं दाग में, कि ये तो दाग जो है ये पाकीजा है, पवित्र है। तो कम हो गई है रोशनी जिनके चिराग में, पाकीजगी तलाशते फिरते हैं दाग में, और जिनके बुजुर्ग कौम पर कुर्बान हो गए, लंगर खिला रहे हैं शाहीन बाग में। वाह, तो आपने मतलब ये जिनके कुर्बानियां दे दी, और वही आके लोग, वही जिसने हमारे माता पिता बाप को, पर बुजुर्गों को मार डाला।